आफ्टरनून सब लोग को, गुड आफ्टरनून। देखिए आपको कल समझाए थे बेसिक चीज़ों के बारे में, आज इसके आगे समझाएंगे। बेसिक वगैरह चीज़ें कंप्लीट हो जाए। आप लोग को बोले थे हम ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेने के लिए, एक एटलस की बुक बोले थे लेने के लिए, आप लोग के पास वो बुक रहनी चाहिए, तभी काम करेगा। फ्रंट एंड पे जब 6-7 हज़ार लड़के आ जाए सर, तो बाकी लड़कों को बैक एंड पे लगा दीजिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं बाबू, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग को गुड आफ्टरनून। चलिए सब लोग को गुड आफ्टरनून, स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी का क्लास सुबह चलता है भाई, इसमें पॉलिटी का क्लास से क्या मतलब है, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है। दुनिया में कितने महाद्वीप थे, आपको बता दिए थे 7 महाद्वीप थे। कौन सा डूबा हुआ महाद्वीप था, तो जिलेंडिया महाद्वीप डूबा हुआ था। देखिए नक्शा के क्लास में पहले धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत के एक हफ्ते के क्लास काफी धीमे चलेंगे, क्योंकि आपको अभी शुरू शुरू में आइडिया ही नहीं लगेगा। आप लोग के पास वो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस होना चाहिए, स्कूल एटलस होना चाहिए था। वो एटलस अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको कई बार बोल चुके हैं आपके पास वो एटलस होना चाहिए, एटलस आपको दिखाई भी दिए थे, कितने लोग लिए हैं लोग उसको, वो नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ये वाली बुक अगर नहीं लेंगे तो फिर पढ़ेंगे किस चीज से, हम तो आपको यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको तो ये वाली बुक लेनी ही पड़ेगी ना, ये वाला बुक नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। सब लोग के पास ये बुक 1 से 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, वरना 1 से 2 दिन बाद जब पूरा फुल फ्लेटेड से स्टार्ट कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड का है, हिंदी भी इंग्लिश दोनों ले लेंगे, कोई एक ले लीजिएगा, कोई भी चलेगा। अगर स्टूडेंट वाला ले लिए हैं, देखिए कोई एक लीजिएगा, ये लेंगे तो ये सस्ता पड़ता है, और अगर दूसरा कोई ले लेंगे ना तो हम पेज नंबर कोई और बोलेंगे। जैसे हम इस बुक का बोल दिए पेज नंबर 45 खोलिए, और आपके पास 40 दूसरा बुक है तो उसमें भी रहेगा, लेकिन वो चीज चला जाएगा किसी और पेज में, फिर आपको क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए ये वाली बुक ज्यादा प्रीफर कीजिए इसको लेने के लिए, ये सस्ता है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। ये वाली बुक थोड़ी ज्यादा सस्ती होने की वजह से ये इजी है इसको लेना। आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एशिया के बारे में कुछ समझना चालू करते हैं। ये महाद्वीप कौन सा भैया, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में एक सब कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर एक सब कॉन्टिनेंट है जिसे हम कहते हैं उप महाद्वीप। क्या कहेंगे बाबू, उप महाद्वीप के नाम से उसे जानते हैं। अब ये उप महाद्वीप क्या चीज होता है, तो किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर का एक ऐसा एरिया जो पहाड़ों से थोड़ा सा कट जाता है, उसे हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे यहां से यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत के इस साइड में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। इसलिए आप हिंदू को किसी रिलीजन से जोड़ के नहीं देखिएगा, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक एरिया के लोगों का नाम है। जैसे बिहारी, बिहारी कोई धर्म का नाम थोड़ी है भाई। बिहार में रहने वाला मुसलमान भी बिहारी है, हिंदू भी बिहारी है, जैन भी बिहार है। कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी। तो उस तरह से इस पर्वत के इस साइड रहने वाले, हिंदू कुश पर्वत के इस साइड रहने वाले को हिंदू कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर 90% जो जनसंख्या थी पहले, वो सनातन धर्म को मानती थी। इसलिए इस हिंदुओं में ज्यादातर सनातन धर्म वालों को क्या कहा जाने लगा, हिंदू कहा जाने लगा। अब जबकि अगर खुद देखिए, हिंदू धर्म तो है नहीं, ये तो एक नाम है, इसे क्या कहा जाता, ओरिजिनल धर्म तो सनातन धर्म है, जबकि इसे क्या कहने लगे लोग, हिंदू कहने लगे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सनातन धर्म को मानने वाले थे। ऐसे ही एक प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ हो गई। मुसलमानों में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे हजरत कहा जाता है, हजरत आप बैठिए, समझ गया। अब कोई नॉर्मल आदमी है तो जनाब बोले और जनाब बैठिए, जनाब ये हजरत कहते हैं। और बराबरी का रहता है ना तो उसे मियाँ कहा जाता है, और मियाँ क्या हालचाल है, समझ गया कि नहीं है? तो मियाँ का मतलब होता है दोस्त, नहीं कहता है अरे भाई और क्या हालचाल। तो मियाँ का मतलब क्या होता है, दोस्त। मुसलमानों में उर्दू में क्या कहा जाता है, और मियाँ सब ठीक ठाक। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता था और दोस्त ठीक हो, तो वो भी बोलता हाँ दोस्त हम भी ठीक है, और मियाँ तुम कैसे हो। तो जो बाकी के लोगों को लगा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मियाँ कह रहा है, तो मुसलमानों को लोग मियाँ मियाँ कहने लगे। अभी मुसलमान को कह दीजिएगा मियाँ तो घुसिया जाता है अरे भाई उसको सनातन धर्म को तूने हिंदू बना दिया, मुसलमान को मियाँ बना दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ गया। आगे देखते हैं ये
ये वाला पर्वत हो गया हिंदुकुश पर्वत। आगे बढ़े, अब इस हिंदुकुश पर्वत के इस साइड से एक और माउंटेन जाता है, ये माउंटेन का नाम है आपका हिमालय पर्वत। ये ऊपर वाला हो गया हिमालय, ये हिमालय हो गया, यहाँ पर देखिए ये हिमालय हो गया। यह जहां दोनों जाके लड़ जाते हैं ना, ये दोनों पहाड़, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे लड़ जाता है, एक गधा दूसरे गधा पे चढ़ जाएगा तो दू गो गधा हो जाएगा। तो एक इधर से पहाड़, एक इधर से पहाड़, दोनों जाके चढ़ गया तो ये एकदम बड़का पहाड़ हो गया। इसको हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहेंगे इसे? पामीर का पठार, दुनिया का छत कहा जाता है। दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। ये चाइना में है। ये दो पर्वतों से, इधर से कौन आ गया? हिंदुकुश, इधर से चला गया हिमालय। आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी आपको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी भी आपको एटलस का क्लास स्टार्ट नहीं है। अभी तो हम आपको बहुआ की तरह, कैसे नर्सरी क्लास में जब एडमिशन होगा तो आप किसी भी क्लास में घूम जाइए, कुछ खा पी लीजिए, कोई चीज नहीं। अभी आपको 2-3 दिन समय लगेंगे पूरा एडजस्ट होने में, इतना जल्दी ये नहीं समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा आपको धीरे धीरे आइडिया लगाए। पॉलिटी की क्लास में पेमेंट होने के बाद क्लास ओपन नहीं हो रहा है। अरे लोल कहीं का, तू लोग पकलो ले, तू लोग का करम फोर कहीं का। नाम और अपना पेमेंट पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप करके भेज दो चट्टा कहीं का। बुद्धि नाम का चीज नहीं है, तुम्हें खाली इतना बोलता है कि पेमेंट नहीं हो रहा है तो कहां से कोई तुमको सर्च करेगा? बेवकूफ कहीं का, पढ़ा लिखा बेवकूफ है तुम। अगर मैसेज कर दे तो मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या 2 लाख लड़कों में कहां खोजेगा आदमी कि तुम कौन हो? मोबाइल नंबर जो पेमेंट भेजो उसको और उसमें भेज दो। बुद्धि नाम का चीज नहीं है, तुम पढ़ा लिखा उतना नहीं रहता है सब। दिल गुर्दा कोई कोई नहीं भेजिए यहाँ पर। ज्योग्राफी का क्लास आगे स्टार्ट होगा, ये बुक दुकान पे मिलेगा ऑक्सफोर्ड स्कूल वाला। चलिए आप लोग देखिए, कोई डाउट रहे बस वही पूछा कीजिए, बाकी यहाँ पे उल्टा सीधा कमेंट मत पढ़िए वरना हम कमेंट पे पढ़ना छोड़ देंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे चले जाएंगे, जिस तरह YouTube पे कैसे आते हैं पढ़ा के चल जाते हैं, इसलिए आप डिसिप्लिन में रहेंगे। ये पर्वत का नाम हो गया हिंदुकुश पर्वत और ये पर्वत का नाम हो गया हिमालय पर्वत। अब एक म्यांमार के पास यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत हो गया यहाँ पर, बताइए तो भारत को म्यांमार से कौन अलग करेगा? आराकाम पर्वत। भारत को चाइना से कौन अलग करेगा? कौन सा पर्वत अलग करेगा भैया? हिमालय पर्वत। और ये इधर कौन अलग करेगा? ये हो गया हमारा हिंदुकुश पर्वत। अब खुद देखिए नीचे में कौन सा हो गया? नीचे में ये समुंदर हो गया। नीचे में क्या हो गया? समुंदर हो गया। अब अगर आप भारत में इस एरिया में आना चाहते हैं तो ये एरिया पूरी तरह सेफ है। नीचे से इसकी रक्षा समुंदर कर रहा है, ऊपर से इसकी रक्षा पर्वत कर रहे हैं। तो ये अपने ही महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप में ही ये एक एरिया थोड़ा सा कट गया है और यहाँ का जो कल्चर है वो बाकी के लोगों के कल्चर से अलग है। जैसे देखिए अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया अब ये बांग्लादेश नेपाल भूटान इस सब का कल्चर देखेंगे तो हम ही लोग की तरह। इन लोग का खाना पीना भी लगभग हम ही लोग की तरह मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि लकड़ी से खाएगा सर चाइना वालों की तरह, ये खाली चाउमिन बर्बर उल्टा सीधा खा के रह जाता है, उतना तो हम लोग नाश्ता कर जाते हैं। तो इन लोग का कल्चर भी एक जैसे है, इसलिए इसे हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसे हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं। अब आप बताइए इस उप महाद्वीप में आपको सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा देश भारत दिख रहा है, तो इसे हम भारतीय उप महाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आएगा? तो आपको यहाँ से दिखेगा भारत आएगा, यहाँ दिखेगा पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान, यहाँ ये है नेपाल, यहाँ है भूटान। तो यहाँ कौन कौन आएगा देखिए बताइए, पहला इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान और ये है आपका बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, म्यांमार तो आएगा नहीं, ये पहाड़ के इस साइड चला गया। चाइना आएगा नहीं, ये पहाड़ के उस साइड चला गया। अफगानिस्तान भी पहाड़ के उस साइड चला गया। तो जो जो इस पहाड़ के अंदर आते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेगा क्या श्रीलंका आएगा? श्रीलंका नहीं आएगा। रीजन क्या है? ये समुन्द्र के बाहर चला गया। मालदीप आएगा? नहीं आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीप नहीं आते हैं सब। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आएंगे? पांचों देश का नाम बताइए। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान इधर बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, ये लाइन से याद रहेगा ना? कैसे याद रहना है देखिए, इसमें पीओके का नक्शा जो है ना थोड़ा सा उधर दिखा दिया है। ये वाला एरिया पीओके है, जब इंडिया पढ़ाएंगे तब बता देंगे पीओके उतना काट लिया था। आगे देखिए, पहला देश बोलिए तो भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, पांचों याद रहेंगे सब ना? कौन कौन आते हैं सब? लाइन से बोलिएगा, लाइन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए। भारत
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। आपसे कहेगा इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो भाई इन पांचों को छोड़ के तो कोई भी नहीं आता है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, श्रीलंका लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी, पढ़िएगा भी नहीं, श्रीलंका लिखा रहता है। समझा गया, पढ़ा पढ़ा के हम बुढ़ा गए, नक्शे पढ़ा पढ़ा के। चलिए आगे समझते हैं, तो ये आपको उपमहाद्वीप हो गया। अब हम एशिया महाद्वीप में इंट्री करते हैं, हल्का फुल्का पढ़ते पढ़ते, थोड़ा थोड़ा इंट्री करेंगे लोग, डेली डेली थोड़ा थोड़ा, फिर आपको ये टोटल कॉन्टिनेंट महाद्वीप याद हो जाएंगे। एशिया महाद्वीप में उप महाद्वीप तो ये हो गया, एशिया महाद्वीप में स्टार्ट हम लोग करते हैं तो साउथ से चालू करते हैं। देखिए किसी भी नक्शा को अगर आप लेंगे तो किसी भी नक्शा में नीचे का एरिया जो होता है वो साउथ होता है। ये कौन सा हो गया, साउथ हो गया, नीचे का एरिया साउथ, और ये ऊपर का एरिया नॉर्थ, ये इधर का एरिया वेस्ट, ये ईस्ट, यानी नीचे का एरिया दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। तो समझिए आगे, एशिया के नीचे यानी साउथ एशिया के, एशिया के नीचे यानी साउथ एशिया, एशिया के नीचे क्या हो जाएगा, साउथ एशिया। साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, क्या बनाया, एसोसिएशन, साउथ एशियन नेशन ने क्या बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। किस लिए एसोसिएशन बनाया, अपने क्षेत्र में आपसी सहयोग बनाने के लिए। तो किस लिए, रीजनल कॉपरेशन के लिए, कॉपरेशन के लिए, रीजनल कॉपरेशन के लिए। तो साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब दक्षिण एशिया के लोगों ने, नाम से समझिए, साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब ये एशिया का जो साउथ का एरिया है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन यानी एशिया के नीचे का एरिया, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है, इस एशिया के नीचे के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया। किस लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, कि हम आपसी सहयोग करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो इसी को कहा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को सार्क कहा गया। क्या कहा गया, सार्क। तो सार्क एक देश है, ये देशों का समूह है सार्क देश, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षेस। तो ये सार्क देश है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सार्क में कितने कंट्री आते हैं, क्या कहेगा, सार्क में कितने कंट्री आते हैं। तो सार्क में तो सबसे पहले बताइए, ये एशिया है, तो एशिया का ये दक्षिण वाला एरिया हो जाएगा, ये पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा, ये उत्तर वाला हो जाएगा, ये पूरब वाला हो जाएगा, ये पूरब हो गया, ये साउथ यानी दक्षिण हो गया, ये वेस्ट यानी पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया। अब आपके मन में तो एक सवाल है कि भाई अगर ये बोल रहा है कि साउथ एशिया, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, ये तो वेस्ट एशिया में आ जाएगा। कहेगा ईस्ट एशिया, तो ये तो ईस्ट एशिया में आ जाएगा। नॉर्थ एशिया, तो ये तो उसमें चला जाएगा, है कि नहीं। साउथ एशिया में यही सब आएंगे, सब साउथ एशिया। तो जो साउथ एशियन एसोसिएशन है उसमें कौन आएगा, यही सब आने वाले हैं सब। अब इस साउथ एशियन में आठ देश आते हैं, जिनको आठों देश याद नहीं है ना, उन्हें ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। जो अपने को होशियार समझेगा वो जिंदगी भर होशियारे रह जाएगा। बकलोलई का काम मत कीजिएगा, चुपचाप शांति से पढ़ते रहिएगा। आप कमेंट में, चैट में वही लिखिए जो आपको प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं लिखिए बाबू, हम गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करेंगे उसमें दिखेगा भी नहीं कितने लोग करके चलेगा, है कि नहीं। बात समझिए, पढ़े लिखे आप लोग, इसलिए जो प्रॉब्लम आएगा वही लिखा करेंगे लोग। अब इसमें आठ देश में से कौन कौन है, आसियान फिर लिखते हैं बाबू, आसियान अलग होगा। ऑक्सफोर्ड एटलस का संस्करण नहीं मिल रहा है, आज हम एक बार मार्केट में देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है। सुधीर पटेल जी, पंडित पटेल नहीं, पंडित जी हैं। वीडियो क्वालिटी लो है, आप देहात में रह रहे होंगे इसलिए आपका लो है। आठ देश आते हैं, देखिए ध्यान से, सार्क में। पहले सार्क देखिए, फिर आठ देश आते हैं। सब लोग अब कंसंट्रेट होइए यहाँ पर। पहला देश आता है मालदीप, ये एशिया का सबसे छोटा देश है, इतनी टुकड़ों में है, इतना ना टुकड़ों में बटा हुआ है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। सार्क देश एकदम टुकड़ों में है मालदीप। मालदीप को अगर आप देखेंगे तो ये समुद्र में बहा हुआ दिखेगा, इसकी जो तटरेखा है समुद्र में मालदीप की, वो इतना नीचे है समुद्र में मालदीप कि आप देखेंगे समुद्र में ये लगता है जैसे डूब जाएगा मालदीप। अगर हम यहाँ मालदीप दिखाएं आपको समुद्र में, तो ये मालदीप लगेगा आपको पूरे तरह से डूबा हुआ मालदीप।
मालदीप एक मुस्लिम कंट्री है, देखिए पूरी लगेगा कि पूरी तरह से डूबा हुआ है, यहाँ सब लोग घूमने जाते हैं। ये देखिए मालदीप, ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में मालदीप आपको मिलेंगे सब, यहाँ दिख रही है मालदीप, कुछ यहाँ पर है कुछ वहां है कुछ वहां है, तो सब लोग वहां छुट्टी मनाने जाते हैं मालदीप में। तो मालदीप बेसिकली जो है ना टूरिस्ट का एक हब एरिया है, यहाँ सब घूमने जाते हैं सर। इस तरह से घर और मालदीप में मिलेगा आपको यहाँ पर इस टाइप का। और ये मालदीप वाले जितने लोग होते हैं ये छुट्टियां मनाने के लिए मालदीप में अक्सर जाया करते हैं लोग। हमारे यहाँ आप लोग में भी जाइएगा लोग, भाई छुट्टी उट्टी मनाने, शादी ब्याह हो जाएगा ना, तो मैडम को लेके कहाँ जाइएगा आप लोग, मालदीप में। इस तरह से आपको एक और ठो घर दे देगा सर घूमने फिरने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन टाइप का लग रहा है मालदीप। पानी अगर बढ़ेगा समुन्द्र में ना, सबसे पहले मालदीप डूब जाएगा। देखिए तो भैया कितनी ऊंचाई है इसकी, कहता हूँ थोड़ा सा पानी मिलेगा उधर चला जाएगा, अभी पानी में घर बनाया है देखिए इस तरह से। तो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीप। अगर समुद्र का स्तर उठेगा तो एशिया में डूबने वाला पहला देश मालदीप होगा। 1 से 1.5 मीटर ऊंचा है ये, डूब जाएगा। लेकिन इसकी इकोनॉमी इतनी बेहतरीन ढंग से है कि यहाँ पर बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा जो होता है उन्हें टूरिस्ट से होता है। कुछ कर जो घूमने जाते हैं ना दिल खोल के पैसा उड़ाते हैं, 10 दिन लाएंगे सर लाखों रुपया फूंक के चलाएंगे सर। और जो परमानेंट वहीं का रहने वाला है उसको पता है कौन सा सामान महंगा मिलेगा कौन सस्ता मिलेगा। अब देखिए ना कितना बेहतरीन है, झोपड़ी टाइप का बना दिया, अंदर एसी है, यहाँ बाहर कुर्सी लगा दिया बैठने के लिए, यहाँ एक तो आपको छोट मोट ऐसे मछली उछली मारते रहिए, यहाँ ज्यादा गड्ढा होगा नहीं यहाँ पर, खूब बेहतरीन बना दिया मालदीप को। तो एशिया में सार्क में सबसे नीचे कौन आ गया, मालदीप आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कौन हो गया मालदीप। मालदीप की राजधानी माले, जो जो देश बताएंगे आपको उसकी राजधानी याद रहना चाहिए यहाँ पर। ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ ज्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं। आगे बढ़े, पहला मालदीप हो गया, दूसरा देखेंगे तो दूसरा में आ जाएगा श्रीलंका। दूसरी कंट्री में श्रीलंका आ जाएगा। खांसी हो गया, कोरोना तो ना हो गया। ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर अशोक ने अपने बेटा तथा बेटी संगमित बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा को कहाँ भेजा था, तो वो भेजा था श्रीलंका में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोगों को अधिकता है, यहाँ रावण भी था। आपको पता है कि रावण कहाँ का था, श्रीलंका का रहने वाला। श्रीलंका की पहले राजधानी कोलंबो थे, अभी श्री जयवर्धनपुरम हो गई है। तो सार्क में पहला देश नीचे से बोलिए तो मालदीप, दूसरा हो गया श्रीलंका। समझ में आ गया। सीता जी को, सीता जी 83 दिन की 84 दिन तक लंका में रही थी और वापस शुद्ध आई थी पवित्र रूप से। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की बहादुरी से ज्यादा रावण की इंसानियत थी। वो एक सतयुग था जो इंसानियत था, हालांकि रावण को तो श्राप था कि सीता जी के पास जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। वो तो बेचारा अपने पिंड छुड़ाने के लिए सीता जी का अपहरण किया कि राम जी के हाथे मरेंगे तो हमारा राक्षस योनि से फुर्सत मिलेगा, तो विधि का विधान था। तो ये श्रीलंका। अभी आप कहेंगे कि सर श्रीलंका के बारे में ज्यादा कुछ बताए नहीं, तो बाबू पहले आप ये देख लीजिए श्रीलंका है क्या, फिर हम श्रीलंका के अंदर जाके एक एक एरिया बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है। पॉइंट पेड्रो क्या है, एलिफेंटा क्या है, यहाँ पर आपकी महावली गंगा क्या है, हम्बन टोटा क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन एक दिमाग में पहले रफली आइडिया रहना चाहिए। अब जैसे हम आपको बता दें जर्मनी क्या, पता नहीं सर इसमें जर्मनी है क्या। अभी आप देखे होंगे ना आर्मेनिया के जहाज को मार के गिरा दिया, ने गिरा दिया यहाँ पर। तो पहले आपको वहां पता तो रहना चाहिए आपको। YouTube पे अभी वीडियो डालेंगे शाम को, रात में आर्मेनिया के जहाज को मार के गिरा दिया, तो नक्शा में पता रहेगा तब ना पता चलेगा कि भारत से कितना दूर है आर्मेनिया, किसको ज्यादा खतरा है इससे। तो ये श्रीलंका दूसरा हो गया। उसके बाद इंडिया, इंडिया को आपको हम लगभग 1 महीना पढ़ाएंगे इंडिया के बारे में, तो इसलिए इंडिया के बारे में अभी ज्यादा डिटेल से नहीं, अभी पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। पहला देश बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत। भारत के बाद पाकिस्तान, ये भी साउथ एशिया में आता है। ये भी किसमें आता है, साउथ एशिया। पाकिस्तान के बारे में भी डिटेल से बताएंगे, अभी पहले देश का नाम याद रखिए। कितने देश हो गए सर, 4। पहला श्रीलंका, सॉरी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। इसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भले किसमें नहीं आता है, मतलब सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, लेकिन ये एशिया के दक्षिणी भाग में ही स्थित है। ये इसको एशिया का दक्षिण एशिया कहते हैं। देखिए ना नीचे स्थित है। इसमें पहला बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चारों याद रहेंगे। फटाफट बोलिए 5 ठो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ हो गया अफगानिस्तान। इधर देखेंगे नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए याद हो गया आपको कितने देश हैं, 8। पहला आंख बंद करिए सारे लोग, अकेले में बैठ के पढ़िएगा, अब बोल बोल के पढ़िएगा वरना याद नहीं होगा नक्शा। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, अगर ऐसे याद करेंगे ना, तो अगर गलती से कोई एक देश भूल भी गया ना, तो आपके दिमाग में रहेगा। आप लोग गलती कैसे करते हैं, 8 देश पता है कितने हैं, आ याद कैसे करेंगे, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कहेंगे ले कौन छूट गया, पते नहीं चला। यही है हमारे हिंदुस्तान की खराबी, ऐसी पढ़ा दिया जाता है लड़कों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता हम कौन सा बोले कौन सा छूट गया। लाइन से बोलना है आप लोग को, लाइन से बोलिए फटाफट, कमेंट करके लिखेंगे, कमेंट में देखें केवल पहला अक्षर, जैसे एम से मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हो गया, ऐसे एक एक अक्षर करके लिखते चलिए, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरह से याद रखना। आपको लोगों को लगेगा बड़ी पढ़ने में विद्वान है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत सिंपल है। 8 देश, 8 देश मतलब मुश्किल से 3 सेकंड, मुश्किल से कितना सेकंड, 3 सेकंड, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 2 सेकंड हुआ ही, समझ आ गया, 2 सेकंड बहुत है, फटाफट लिख के जवाब दीजिए। वेरी गुड, मालदीव, श्रीलंका, आप पहला अक्षर भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं, मालदीव, श्रीलंका, अरे पहले एल कौन देश है भैया, इसमें एल लिखते हैं, एस एल श्रीलंका, बस एस लिख दीजिए, समझ जाएंगे श्रीलंका, एस एल लिखने की क्या जरूरत है। आई सी इंडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसी जवाब आना चाहिए, देखिए इस तरह से जवाब आता है ना, तो लगता है चलो पढ़ाना साक्षर हो गया आप। ये जितने लोग फ्रंट इंड पर है, 6,000 से ज्यादा लड़के फ्रंट इंड पे हैं, और बैक वालों का जवाब क्या है, बैक इंड वाले पे दिखेंगे, बैक इंड वाले, बैक इंड पे जितने ज्यादा लड़के हैं सब सबको बैक इंड पे भेजिएगा। श्याम लाल जी आपका, चलिए बाबू, अफगानिस्तान सब कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे सार्क में आ जाता है, ठीक है। बैक इंड वाला कह रहा है सर हम लोग क्या पैसा नहीं दिए, अरे भाई सब लोग पैसा दिए हैं, लोग लोड के हिसाब से होता है ना, बैक इंड और फ्रंट इंड ये सब लोड के हिसाब से होते हैं। चलिए ऐसा ऐसा नहीं है, पूछ रहा है सर हम लोग बैक इंड वाले हैं, मतलब हम लोग किसी काम के नहीं है भाई, सब लोग काम के हैं, बैक इंड सर्वर तगड़ा होता है। आगे बढ़े, ये दिल बना के मत भेजो भाई, सबसे नफरत है। देखो भाई एक से एक कमेंट करते हैं, तिवारी जी, देखिए अनूप तिवारी जी हैं, ये क्या किया पता है, ये लड़का देखो कितना बदमाश है, ये सारे देश का नाम नहीं लिखा है, सारे देश का झंडा बना बना भेजा है। अरे तिवारी जी, अरे बाप रे, सब झंडा बना बना भेजा है। याद हो गया ना, अगर आपसे कोई पूछता है सार्क में कितने देश आते हैं, तो अगर आपने नाम बना दिया ना आठों के, ना कभी भी अगर किसी ने बोल दिया कि 8 है सार्क में, 8 देश है, बता देते ना, जान ले लेंगे हम उसका वहां पे। अगर कोई आपसे पूछता है कितने देश हैं, तो आप बोलिएगा हम बोलते हैं तुम गिन ले, समझ में आ गया कि नहीं, तब आपको पता चलना चाहिए खान सर का स्टूडेंट है, एकदम पहचान है, अलग पहचान है कि खान सर के पास पढ़ा है, कहीं और पढ़ा है, पूछिएगा सार्क में कितने देश, अगर कह दिया 8, समझ जाइएगा हमारे पास नहीं पढ़ा है। और अगर बैक इंड वाले भी ध्यान देंगे लोग, सब लोग, अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि सार्क में कितने देश है, अगर कह दिया हम बोलते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, समझ जाए अरे बाप रे बाप, हमसे सीनियर है, खान सर के पास पहले पढ़ लिया, समझ आ गया कितने देश, 8, कितने देश, 8, 2 सेकंड में बोलिए। अगर आप क्लास में बैठे हैं, कहीं भी बैठिए, रूम में जगह नहीं है, बाथरूम में मोबाइल लेके चल जाइए, उसी में बैठा लीजिए, लड़का सब लड़की से बतियाता है ना, तो बाथरूम में चल जाता है, टोटिया खोल देता है, उसमें भर 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 आवाज करते रहता है, अंदर बतियाता है, हाँ हाँ कैसी हो, ओ, ओ, लोल कहीं का, वैसे घुस जो कहीं, बोलो फटाफट अपने जहां पे है वहां बोलिए, मम्मी को सुनाइए, पापा को सुनाइए, बोलिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ लड़का पढ़ रहा है। ऑनलाइन को आप ऑफलाइन बना दीजिए, समझ में गए कि नहीं, ऑनलाइन को क्या बना दीजिए, ऑफलाइन, जहाँ है वहाँ क्लासरूम की तरह रहना चाहिए। क्या चीज है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, याद हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8, 8, समरकंद आ गया भाई, समरकंद, अरे भाई अभी सारके का कोई खास नहीं, अब आगे बढ़े, चलिए देखिए यहां पे वो बफरिंग कर रहा है क्या, नहीं ना, दोनों का देखते रहिए, बैकएंड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उस पर लड़कों का लोड ज्यादा है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग ना इन सब के, इन 8ों के बारे में कुछ डिटेल से जानकारी ले लेते हैं कि भूलेगा नहीं। हम कहते हैं कि 8ों भूल जाएगा, लेकिन हम ऐसा काम करते हैं कि भूलवे नहीं करे। जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए, वहां हजारों लोग मिलते हैं,
लेकिन कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं। आप चाहते हैं कि हमको कोई ना भूले, तो कुछ ऐसा कांड कर दीजिए कि ना भूले, जैसे उसको बुला के एक लोटा खेखार थूक दीजिए मुंह में भजाक से, आपको नहीं भूलेगा वो। मतलब कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ घटना होनी चाहिए। इन सबसे घटनाओं को हम याद कर लेते हैं। चलिए थोड़ा शीत युद्ध के बारे में आपको ले चलते हैं। देखिए ये जो जगह है ना श्रीलंका, ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। इस श्रीलंका के नीचे का एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा। अब आपको ये श्रीलंका पूरी दुनिया में भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का अगर नक्शा देखेंगे तो श्रीलंका कहाँ मिलेगा। हाँ, वर्ल्ड के नक्शा में श्रीलंका देखिए ये वाला, देखिए वर्ल्ड जब नक्शा खुलता है ना तो इस पर कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखती। इतना छोटा नक्शा में पूरा दुनिया को हटाएंगे तो क्लियर कैसे होगा, तो ये आपके अंदाजा पे डिपेंड करता है। देखो बाबू ये है श्रीलंका, यहाँ ध्यान दे श्रीलंका। अब कंसेप्ट समझिए जो हम समझाने जा रहे हैं। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, और ये देखिए ये यूएसए, यूएसए हो गया, ये पहली दुनिया में आता था। ये सोवियत संघ रूस, रसिया, पुराना नाम सोवियत संघ रसिया। यहाँ पर बात समझो बाबू, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इन लोगों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई चालू हो गई, हम पावरफुल या तुम पावरफुल। अब इसे कहा गया शीत युद्ध या कोल्ड वार। कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में लड़ी गई एक ऐसा वार था जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर एक भी गोली नहीं चलाए, लेकिन पूरी दुनिया में गोली चला दिया सब, सब खुद एक भी नहीं चलाया। सब रूस चाहता था हम पावरफुल बन जाए, अमेरिका चाहता था हम पावरफुल बन जाए। रूस चाहता था दुनिया हमारे साथ आ जाए, अमेरिका चाहता था हमारे साथ आ जाए। जो लोग अमेरिका के साथ गए वो कहलाए पहली दुनिया के देश, जो रूस के साथ गए वो कहलाए दूसरी दुनिया के देश। अब जो अमेरिका का साथी था, मान लीजिए यहां से कोई कोलंबिया अमेरिका का साथी, तो रूस ससुरा इसको मारता था। अब देखिए इसको मारता तो कहलाता वार, इसको मारना तो कहलाया कोल्ड वार। मतलब यहां मारता तो युद्ध, ये हो गया शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं कि ठंडी के दिन में लड़ाई लड़ा है, शीत युद्ध का मतलब है कि तुमसे जो जो रहेगा हम उससे नफरत करेंगे। आप देखिएगा घर में, आप हिंदुस्तान में बड़ी ज्यादा शीत युद्ध होता है। मान लीजिए कि हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा है और हम किसी शादी में गए और वो व्यक्ति या उस शादी में आ जाएगा ना, तो हम वहां नहीं जाएंगे। अरे मतलब है हमसे ना झगड़ा है, उससे क्या मतलब है तुम्हें, तो इसे कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका चाहती थी पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए पहली दुनिया में, रूस चाहता था पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाए दूसरी दुनिया में। जवाहरलाल नेहरू बड़ी होशियार, कहा कि हम कोनों में नहीं रहेंगे, हम तीसरी दुनिया में। तो इसने एक अलग से संगठन बना दिया जिसे कहा गया नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। क्या कहा गया? नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नैम, आगे बताएंगे नैम। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट नैम कहा गया, समझ में आ गया। तो इसमें हम किसी के साथ नहीं है, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष नॉन एलाइजिंग, हम किसी में नहीं है। तो भारत तीसरी दुनिया में था। अब देखिए रूस के साथ एक खराबी समझते चलिए। रूस के साथ खराबी क्या है कि ऊपर का ये एरिया जो है बर्फ से ढक जाता है, तो ये एरिया में बर्फ भयानक पड़ती है। आपको बताए हैं यहाँ ठंडा क्यों पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी, ये शीत कटिबंध में आ जाएगा टुंड्रा और टाइगा में। इसलिए रूस का ऊपर का बंदरगाह पानी से जम जाएगा और रूस ठंड के दिन में ऊपर से नहीं जा सकता है। और लड़ाई के मैदान में जब भी काम आती है तो नौसेना काम आती है, दूर की लड़ाई में। दूर मान लीजिए यहां से यहां जाना है तो पायलट थोड़े ना लड़ पाएगा, ससुरा वहां से जहाज पायलट भरेगा, एक दिन लगे 8 घंटा लगेगा इसको यहाँ जाने में। 8 घंटा गाड़ी चलाने के बाद आपको थक जाएंगे, कहें दो तरीके कौन लड़ाई लड़ेगा, पैदल सेना तो जाएगी नहीं। तब इसमें काम कौन आती है? नौसेना काम आती है। नहीं नहीं अभी अभी समझा देते हैं, उसमें बैकएंड वाले लोग, आप लोग परेशान नहीं रहिए, सब लोग को बता देते हैं। बैकएंड पे थोड़ा सा सर्वर लोड ज्यादा है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा बफर कर सकता है, वो भी 1-2 मिनट में शांत हो जाएगा। तो ये ऊपर से ये नहीं जा सकता है, तब ये क्या करेगा? नौसेना भेजेगा, क्योंकि नौसेना की जहाजें बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें बेडरूम सोने होने का सब जगह रहता है, सारे फौजी सोए रहेंगे, जो चलाने वाले रहेंगे 8-10 तो वो चलाएंगे। जब ये नौसेना की जहाजें यहाँ पहुंच जाएगी तो वो सब जग के इसको मार देंगे सब। तो दूर की लड़ाई में कौन काम आता है? नौसेना काम आती है। अब एक खराबी देखो भैया, ये जो है आपका अमेरिका यूएसए, इसके पास बर्फ नहीं जमता है, क्योंकि ये तो बहुत दूर है, तो इसकी नौसेना यहां तक जा सकती थी, लेकिन उसकी कैसे आती? तब इसके लिए रूस जो था इस रास्ते से आता था, इस रास्ते से जाके हमला करता, लंबा पड़ जाता। तो रूस जो है वो ठंडी में इधर से नहीं आ सकता था, वो ठंड के दिन में इधर से आता था। अमेरिका ने कहा कि अगर हम
क्या जी? अगर हम रूस को इधर ही रोक दें तो ठंडी में ये इधर से आ ही नहीं सकता, हम इधर ही रोक देंगे, और हम युद्ध जानबूझ करेंगे करेंगे ठंड में, कि ठंड में वो इधर से आएगा नहीं, इधर हम रोक देंगे, मरा जाएगा। तो इसके लिए अमेरिका ने शीत युद्ध में सहारा लिया किसका? श्रीलंका का। अब आइए श्रीलंका जो मेन टॉपिक था, यही ना श्रीलंका, आइए हम लोग का हिंदुस्तान है, वर्ल्ड के नक्शा में बाबू क्लियर नहीं दिखता है, इसलिए क्लियर करने के लिए हम वहां ले जाएंगे आपको। यह है ना श्रीलंका आपका, ये भारत में, यहाँ क्लियर दिखेगा, वर्ल्ड के नक्शा में कैसे क्लियर दिखेगा कोई चीज, तो यहाँ समझिए आइडिया लगाइए यहाँ पे। तो अमेरिका ने श्रीलंका को खूब पैसा दिया, करोड़ों रुपए मदद दिया कि रेलवे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, दुनिया भर का चीज। और उसके बाद कहा, ए श्रीलंका, तुम अपने नीचे का जो बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा, याद रखिएगा हम्बन टोटा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। हम्बन टोटा एक बंदरगाह का नाम है जो श्रीलंका में है। हम्बन टोटा बंदरगाह को अमेरिका ने कहा कि भाई तुम इसको हमको दे दो, इसका किराया तुम हमसे लेना, हम यहाँ पर रडार और ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाएंगे जो ये बता सके कि यहाँ से कितनी जहाजें गुजर रही हैं। तो श्रीलंका ने कहा ठीक है, ले लीजिए, आप किराया देवे करेंगे, इतना हमको फ्री में मदद करबे किए, एगो बंदरगाह ले लीजिए, क्या हो जाएगा। श्रीलंका ससुराल निकला लोल, इसको पते नहीं कि इससे सबसे बड़ा सरदर्द हो जाएगा रूस को, और अभी चल रहा है शीत युद्ध। शीत युद्ध में दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे सब, शीत युद्ध में दोनों क्या थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। अब ये बकलोल निकला श्रीलंका, दे दिया उसको बंदरगाह, अब यहाँ पर ये ट्रांसमीटर स्टेशन लगाने का काम चालू कर दिया। कौन से बंदरगाह पे, कमेंट करके बताइए बंदरगाह का नाम, बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, बंदरगाह का नाम फटाफट बताएंगे, बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, वेरी गुड, बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, बैकिंड वाले लोग सब लोग का जवाब सही है, हम्बन टोटा, बंदरगाह का नाम हो गया हम्बन टोटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझिए, रूस जो था, रूस अगर चुपचाप हाथ से हाथ पे रख के बैठता तो रूस तो मरा जाता, ठंडी के दिन में उधर से जाएगा नहीं, इधर से जाएगा तो सब पता चल जाएगा कितनी जहाजें गई हैं, अमेरिका यहीं पे इंतजार करेगा, धो देगा यहीं पे, ला मार हो जाएगा, दूसरे के खेत में ही सुरक्षित हो जाएगा। तो रूस कहा कि अरे भाई साहब श्रीलंका छोड़ दे, उसको मत दे। तो श्रीलंका का रखा ही नहीं देंगे, पैसा दिया है भाड़ा देगा, देंगे हम। अब पगला गया रूस, तो रूस बोला भारत को, रूस किसको बोला, भारत को, हिंदुस्तान को कहा कि हिंदुस्तान तुम हमारी जिंदगी आज बचा लो, जिंदगी भर हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। तो उस समय इंदिरा गांधी थी, कहीं क्या करना है बताइए, हम आपका एहसान कैसे बना, बोलिए क्या करना है। तो इंदिरा गांधी से कहा कि कुछ भी करिए आप, हमको मतलब नहीं है, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप बस यहाँ से अमेरिका को भगा दीजिए। किसको भगा दीजिए, अमेरिका को भगा दीजिए। अब अमेरिका को भगाना कैसे श्रीलंका से, तो श्रीलंका से भगाने के लिए भारत ने चाल चला। भारत ने क्या किया कि तमिलनाडु, ये श्रीलंका के, ये भारत का निचला राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु के बहुत से लोग श्रीलंका में काम करते हैं, बसे हुए हैं श्रीलंका में। तो भारत ने कहा एक काम करते हैं, श्रीलंका से कैसे अमेरिका को भगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के लोगों का एक संगठन है जिसका नाम था, उन्होंने तैयार कर दिया लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसका नाम क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये एक विद्रोही संगठन है, ये घुस गया श्रीलंका में और कहा कि श्रीलंका को दो भाग में बांटो, ऊपर का श्रीलंका मेरा और नीचे का श्रीलंका मेरा। ये भाई श्रीलंका का, हम तो अपने छोट हैं, हमरा और बांटेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो LTTE वालों ने कहा कि अरे तब हमसे लड़ाई लड़ो, इन लोगों को हथियार भारत से मिल ही जा रहा था, क्योंकि रूस का कहना था कि भाई कुछ भी करके यहाँ से अमेरिका को भगाओ हम्बन टोटा से। अब LTTE वालों ने जितना काट मार हो गया श्रीलंका में, इतना बवाल हुआ LTTE वालों से, इतना मार काट हुआ कि श्रीलंका समझ गया, श्रीलंका भारत से कह रहा है कि भारत ये काहे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भारत ने कहा कि तू सोच रहा हूँ यहाँ से हम्बन टोटा देला बिना का जरूरत हुआ, अमेरिका को भगाओ वहां से। तो श्रीलंका अमेरिका से कहता है कि भैया तू यहाँ से अपना ट्रांसमीटर स्टेशन अपना लेके चल जाओ यहाँ पे, और नहीं तो हमारा ये LTTE वाला मार डालेगा, हम सब समझ रहे हैं इसके पीछे कौन है। तो यहाँ से अमेरिका को जाना पड़ा, और यहाँ से जब अमेरिका चला गया तो जो रूस था वो बहुत खुश हुआ भारत पे, और कहा कि जीवन में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे।
आप बताइए, रूस भारत के साथ रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। श्रीलंका में हम्बन टोटा के चक्कर में बहुत लोग मराए थे, लोग एलटीटी वालों ने मार दिया। जब अमेरिका चला गया ना, तो भारत एलटीटी वालों को मार दिया। जा यहाँ पे एलटीटी वालों ने मिला तो सोनिया गांधी के लड़का राजीव गांधी को उड़ा दिया। कहा कि तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, तुमको उससे बंदरगाह भगाना था तो तुम हमको भेज दिया, हम वहां कितने लोगों को मारे फिर तुम हमको मार दिया। अंतरराष्ट्रीय चीजों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। एलटीटी समझ गया, कहेगा कि एलटीटी का समझ, एलटीटी की समस्या कहां पर है, एलटीटी की समस्या कहां पर है? एलटीटी संगठन श्रीलंका में थी, मारे उड़के खत्म कर दिया गया। समझा गया? एलटीटी ने किसको भगा दिया? अमेरिका को। हम लोग किसको भगा दिए? एलटीटी को। बाढ़ में जाओ, इसका बदला चुकाना पड़ा राजीव गांधी को, बम से उड़ा दिया सब राजीव गांधी को। आज भी रूस जो है, आज भी रूस किसके साथ रहता है? भारत के साथ। हम लोगों ने उसका बहुत बहुत कांड किया है। अब अमेरिका के लिए ना एगो नया दुश्मन हो गया, कौन? भारत। क्योंकि अमेरिका जान रहा था कि यही चोटा किया है, इसी के वजह से भागे हैं। इसलिए अब वो भारत से भी बहुत खफा हो गया, कहा कि भारत हम तुमसे भी अब बदला लेंगे। इसके लिए अब वो देखिए, ये यहाँ क्यों आना चाहता था? शीत युद्ध में डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, हम तुमको घेर घार के रखेंगे ताकि हम कभी भी तुम पे भारी पड़े। अब यहाँ पर है नेपाल। अब यहाँ देखिए आते हैं, अमेरिका अब कहाँ एंट्री मार रहा है? नेपाल में। सोचा कि अगर नेपाल में घुस जाएंगे तो हमारा नया दुश्मन बना है भारत, इनको भी देख लेंगे, चीन को भी देख लेंगे, और यहाँ से जहाज लेकर सड़क से घुस जाएंगे रूस में। यहाँ से कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट में तो रूस घुस जाएंगे। इसलिए अब अमेरिका का निशाना श्रीलंका नहीं था, अमेरिका का निशाना था नेपाल। अब ये नेपाल में एंट्री कैसे करे? तो इसने क्या किया, देखा कि नेपाल के लोगों में आंख खराब होने की समस्या बड़ी ज्यादा है, वहां की जलवायु ऐसी है कि बड़ी जल्दी आंख वहां डिस्टर्ब हो जाता है। तो अमेरिका ने अपने हजारों डॉक्टरों को नेपाल में भेजा और कहा कि देखो यहाँ के लोगों का आंख खराब हो जाता है, फ्री में इलाज करो। तो अमेरिका से आंख के हजारों डॉक्टर आए, फ्री में इलाज किए। यहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया, कॉलेज खोला गया, यहाँ एक से एक आंख के डॉक्टर को बनाया गया। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी आंख का इलाज होता है नेपाल में बहुत अच्छा से। नेपाल पूछा कि अमेरिका इतना तुम पैसा काहे खर्चा कर रहा है हमारे ऊपर, हमारा आँख का डॉक्टर फ्री में, कॉलेज फ्री में। तो नेपाल का भारत ने, अमेरिका ने कहा, ए नेपाल सुनो ना, हमको तुम यहाँ एगो एयरपोर्ट बनाने को दे दो भाड़ा पे, हम उसका किराया देंगे, बनाएंगे हम ही सब किराया देंगे। नेपाल का ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। बकलोल भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है श्रीलंका का भी क्या हाल हुआ है। कितना लोग कटाए हैं वहां श्रीलंका में, 6 लाख लोग मरा गए थे वहां श्रीलंका के। क्या अभी ये एयरपोर्ट देने जा रहा है? जब यहाँ उस समय नेपाल में प्रधानमंत्री नहीं होते थे, राजा होते थे वहां पर। तो ये कहा ठीक है ले लीजिए हमसे एयरपोर्ट। जैसे वहां का राजा कहा कि ठीक है एयरपोर्ट ले लीजिए, नहीं खबर लीक हो गया, चाइना का आग्रह है नेपालवा, कहीं चोटा कहीं का तुम हमरे सीधाने ले आके तुम चाइना को देगा, अमेरिका को देगा। अब नेपाल कहा कि हम तोरा ना छोड़ेंगे। तो भारत ने कहा कि भाई चाइना उससे निपटा देगा। चाइना यहाँ पर ना, चाइना के उस समय राष्ट्रपति होते हैं माओ से तुंग, माओ राष्ट्रपति थे। तो माओ ने अपनी 2-4 आतंकवादियों को घुसा दिया, जिसे कहा गया माओवादी। क्या कहा गया? माओवादी। भारत ने क्या घुसा दिया था? एलटीटी। चाइना ने क्या घुसा दिया? माओवादी। अब ये माओवादी चाइना में घुस गए। चाइना को पता था कि भारत ने श्रीलंका से अमेरिका को कैसे भगाया यहां अशांति पैदा करके। तो ये भी कहा कि हम भी नेपाल में अशांति पैदा कर देंगे, नेपाल अपने कहेगा अमेरिका चल जाइए वरना हमारी शांति भंग हो जाएगी। माओवादियों को घुसा दिया और माओवादियों को चाइना ने हथियार दिया, मार धड़ाधड़ माओवादी नेपाल में मारने लगे। तो कहते यहाँ राजा नहीं रहेगा, यहाँ हमारा शासन रहेगा। राजा कहा कि देख तुरी के एयरपोर्ट के चक्कर में हमारा कुर्सी चल जाएगा। तो अमेरिका से कहा कि भैया अपना एयरपोर्ट यहाँ से लेके चल जाइए। तो अमेरिका कहे कुछ नहीं होगा, हम है ना, कहा कि चुपचाप चल जाइए यहाँ से, मतलब हम आप रहेंगे हम नहीं रहेंगे। ने अमेरिका यहां से भी चला गया। अमेरिका का दुश्मनी उस समय भारत से भी हो गया, चाइना से भी हो गया, रूस से तो पहले ही दुश्मनी था। अभी बताइए इसमें बेचारे नेपाल के लोग मरा गए माओवादी के चक्कर में। ये इसका मेन कारण क्या था? कोल्ड वार। देखिए अमेरिका ने रूस पे एक भी गोली नहीं चलाया, ना रूस ने अमेरिका पे चलाया, लेकिन देखिए श्रीलंका में 6 लाख लोग मरा गए, नेपाल में भी कई लाख लोग मराए थे इसी माओवादी के चक्कर में, हजारों लोग मारे गए थे वहां पे, यहां से चला गया। लेकिन भारत देखिए, भारत ने एलटीटी को खुद खत्म किया था और चाइना इतना बड़का खच्चर है, माओवादी भेज के खत्म नहीं किया। नेपाल क्या किया? माओवादियों को इंडिया में घुसा दिया, ये नक्सलवादी बन गए सब यहाँ आके। ये शीत युद्ध का नतीजा हम लोग झेल रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े।
अमेरिका कहा अब कहाँ जाए, तो अमेरिका पाकिस्तान में घुस गया, पाकिस्तान उसको सेना का अड्डा दे दिया वहां पर। अब पाकिस्तान सेना का अड्डा दे दिया, पाकिस्तान को कौन समझाएगा यहाँ, पाकिस्तान सेना का क्या कर दिया, उसको अड्डा दे दिया। अब याद रहेगा आप लोग को श्रीलंका, हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में। सार्क में कितने देश, आठ। सार्क में कुल देशों की संख्या कितनी है, आठ देश आते हैं सार्क में, याद रहेगा ना। सार्क में कितने देश आते हैं, आठ। आठों के नाम मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आठ देश, हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। अभी रफली हम आपको बता रहे हैं, अभी श्रीलंका भी नहीं बताए क्योंकि आप लोग के पास नक्शा ही नहीं है श्रीलंका का। आगे बढ़े, LTT, आगे बढ़ जाना। रसिया उधर से हमला, भाई अलास्का की ओर से हमला नहीं कर सकता, युद्ध के समय में चारों ओर से हमला करना चाहिए ना, कोई एक डायरेक्शन में थोड़ी ना। इसलिए सब चाहता है कि हम चारों ओर से हमला करें, इसलिए हम्बन टोटा का एरिया को ये सॉरी अमेरिका ने क्या किया था, प्रीफर किया था। ये जगह बोलिए कौन सा हो गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। श्रीलंका के बारे में और अच्छा से पढ़ाई करते हैं लोग, चलिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं। देखिए श्रीलंका का आकार जो है ना आंसुओं की तरह, ये श्रीलंका, श्रीलंका पे भी पहले ब्रिटेन का अधिकार था, श्रीलंका जो था पहले वो ब्रिटेन का गुलाम था। श्रीलंका का ऊपरी भाग जो है जाफना कहलाता है, श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाएगा। देखिए ध्यान से, हल्का इस तरह बता दे रहे हैं, श्रीलंका टाइप का, श्रीलंका का ये ऊपरी भाग है क्या कहलाता है, जाफना कहलाता है। आपके पास नक्शा नहीं है ना, जाफना, एक्चुअली आपके पास एटलस नहीं है, कोशिश करिएगा एटलस खरीदने के लिए। श्रीलंका का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, जाफना कहलाता है। जाफना में कौन घुस गए थे, LTTE, और जाफना के निचला भाग का नाम है एलिफेंटा। क्या नाम है इसका, एलिफेंटा, एलिफेंटा पास। यहाँ पर पहाड़ों के बीच एक दर्रा है, देखिए दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा कहा जाता है, चौड़ा रास्ता को घाटी कहा जाता है, तो एलिफेंटा पास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एलिफेंटा पास किस देश में, श्रीलंका में। एलिफेंटा पास के ऊपर वाली जमीन को क्या कहते हैं, जाफना कहते हैं। जाफना को अलग करने की लड़ाई कौन लड़ रहा था, आपका LTTE लड़ रहा था। यहाँ का सबसे ऊपरी बिंदु क्या है, पॉइंट पेड्रो, क्या है, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा देश भारत में, इनमें से कौन सा जगह भारत में नहीं है, आप ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे लिखा रहता है पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो जाफना का भाग है, किसका भाग है, जाफना। तो जाफना से तीन क्वेश्चन पूछेगा, जाफना कहाँ है, श्रीलंका के ऊपरी भाग में। जाफना का ऊपरी बिंदु क्या कहलाता है, पॉइंट पेड्रो कहलाता है, नहीं है। उसके बाद और क्वेश्चन पूछेगा, जाफना और श्रीलंका का मेन अलग करने वाला कौन सा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका का निचले बंदरगाह का नाम क्या है, हम्बन टोटा। बंदरगाह का नाम क्या है भैया, हम्बन टोटा। श्रीलंका का निचला बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका के इस साइड में इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम, पहले राजधानी थी कोलंबो, अभी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका हम लोगों से ज्यादा चाय को दूसरे देशों को बेचता है, लेकिन हम लोगों से ज्यादा वो चाय उगाता नहीं है। देखिए हम लोग जो हैं चाय बहुत ज्यादा मात्रा में उगाते हैं, लेकिन उससे भयानक पी जाते हैं। घर में कोई घुसा, चाय पिलाओ जी, लगता है जिसे चाय पीने के लिए कुछ, अरे चाय पी लीजिए, कहे चाय पी लीजिए, घुसते ससुराल चाय पी लीजिए, ससुराल, नैहर, सौतन के घर कहीं घुसिए, कौन जी चाय पीजिए, भाई हम लोग छोड़ते कहाँ है, डकच जाते हैं पूरा चाय। श्रीलंका के लोग चाय नहीं पीते हैं, इसलिए वो लोग चाय को दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं। श्रीलंका के नीचे का बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कोलंबो है, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कोलंबो। अब एक चीज समझिए, श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्र है वो बहुत पतला है, श्रीलंका और भारत के बीच में जो समुद्र है ना बहुत पतला है। देखिए दिखा देते हैं, अब ये दिखेगा नहीं आप लोग को, ज्यादा चौड़ा कर देंगे तो यहां दिख रहा है श्रीलंका। तो ये समुद्र जो है ना बहुत ही पतला है,
यहाँ पे पानी वाली जहाज नहीं जा सकती है। अब ये इसे लोग कहते हैं आदम ब्रिज, इसी को कहते हैं लोग राम सेतु। समझ में आ गया? ईसाई और मुस्लिम परंपरा के हिसाब से यहाँ से आदम गए थे और हिंदू परंपरा के हिसाब से यहाँ से राम जी गए थे, तो इसे राम सेतु या आदम ब्रिज कहा जाता है। इस परियोजना इसको ना गड्ढा नहीं है, इसलिए यहाँ से अगर जहाज को जाना है तो श्रीलंका होके जाता है, या इधर से किसी जहाज को जाता है तो ये श्रीलंका पार करके जाता है। जबकि अगर ये गहरा होता तो इतना लंबा दूरी नहीं तय करनी पड़ती, हम लोग यहीं से इस साइड में जा सकते थे। तो कहा जाता है कि इसको गहरा कर देना चाहिए। अब कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि राम जी के आप पुलवा तोड़ना चाहते हैं। अरे भैया, हम काहे तोड़ना चाहते हैं, उसके बीचवा में से एक पतला तनी सा गली बराबर रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि उधर से जहाज चल जाए। दिक्कत समझिए क्या है कि कुछ लोग देश को किस तरह से चौपट कर रहे हैं। ये हम्बन टोटा बंदरगाह जो है वर्तमान समय में चाइना ले लिया है। अभी हम्बन टोटा बंदरगाह किसके कंट्रोल में आ गया? चाइना को। चाइना क्या करता है, दूसरे देश को इतना ज्यादा कर्जा दे देता है कि वो कभी भी उस कर्जा से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये चाइना के कंट्रोल में। अब युद्ध की स्थिति में आप बताइए, आपकी मान लीजिए इधर इधर आपकी जहाजें मारी गई, तो आप इधर से जहाज लेके जाइएगा इस साइड में, तो यहाँ से तो सिर्फ चाइना बैठा हुआ यहीं धो देगा आपको। तो यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी ना एक बाईपास रूट इधर से। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं, राम जी का पुल है। अरे भाई, राम जी का पुल थोड़े, वो तो लाने के लिए गए थे। समझे कि नहीं समझे? अब इसके चक्कर में अब आप बताइए, इसको गहरा करना चाहिए कि नहीं? तोड़ने की बात थोड़ी है भैया, पूरा राम सेतु इतना बड़ा है, इसमें पूरा थोड़ी ना, थोड़ा सा एरिया को बस गहरा करना है ताकि यहाँ से जहाजें निकल सके लो। लेकिन जानते हैं ना, नेताओं को एक बहाना चाहिए, कैसे भी एक बहाना दे दो ताकि वोट मिल जाए, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद जाति के आधार पर मांग लीजिए, उसके बाद विकास के आधार पर। जनता भी विकास के नाम पर वोट नहीं देती है, जनता नेताओं को गरियाती है। रे बाबू, तुमको जाति के हिसाब से वोट दिया था तो क्या विकास मिलेगा? जाति मिल रहा है तुमको? तो ये गड्ढा करना चाहिए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ये बहुत घातक हो जाएगा, हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़ जाए। श्रीलंका समझ में आ गया? श्रीलंका किस चीज का निर्यातक है? श्रीलंका निर्यात किस चीज का करता है? चाय का। श्रीलंका पहले किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। निचला बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, उससे पहले की राजधानी श्रीलंका की, पहले उससे पहले बहुत पहले अनुराधापुर राजधानी थी उसकी। उससे क्या मतलब है? श्रीलंका की सबसे बड़ी जो नदी है उस नदी का नाम है महावली गंगा। नदी का नाम क्या है? महावली गंगा। महावली गंगा, महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावली गंगा। ठीक है, आप लोग का कल इसका पीडीएफ लोड कर दिया जाएगा, और कल आप लोग एटलस जरूर लेके रखेंगे लोग। एटलस में क्या है कि आप किसी और भी कंपनी का अगर एटलस लेंगे तो केवल पेज नंबर का डिफरेंस रहता है, तो ढूंढने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए ऑक्सफोर्ड वाले में पेज नंबर 47 पे है श्रीलंका, और आप कुछ ले लेंगे तो वहां श्रीलंका कहाँ रहेगा, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। बस इसीलिए कह रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लंबी नदी महावली गंगा। कौन सा दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा। सबसे ऊंची बिंदु यहाँ पे पॉइंट पेड्रो। ऊपर का राज जाफना। कौन से संगठन? LTT। समझ आ गया आप लोगों को? श्रीलंका के बारे में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आप बताइए, तुम सार्क में कितने देश आते हैं? आठ आते हैं, आठों के नाम ये देखिए। अब सार्क देखिए तो बिल्कुल साउथ में मिलेगा, ये एशिया है ना, एशिया के बिल्कुल साउथ में मिलेगा। ये क्या कहलाएगा? सार्क। सार्क से थोड़ा ईस्ट में जाएंगे ना तो ये मिल जाएगा आसियान। ये क्या है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ, देखिए एसोसिएशन मतलब ग्रुप, साउथ ईस्ट एशिया। देखिए साउथ में भी है और ईस्ट में भी है, ईस्ट मतलब पूरब, तो पूरा तरफ पूरब में नहीं है, ये तो पूरा पूरब में हो जाएगा। वो कह रहा है साउथ में भी नहीं है, क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो बीच में यही ना होगा? साउथ ईस्ट एशियन नेशन है सर, नेशन मतलब देश, और इन लोग का एक संगठन है, इसे कहते हैं आसियान। तो आसियान में 10 देश आते हैं। तो ये देखिए, ये सार्क हो गया, ये आसियान हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया। यहाँ ऐसी एशिया खत्म हो जाता है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लोग। आप लोग समझ में आ गया इसको? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक ही बार में नक्शा ज्यादा पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे लोग, एक हफ्ता तक, इस हफ्ते तक धीरे धीरे ही चलेगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बुक के राइटर का नाम नक्शा है, इसमें राइटर कहाँ से आएगा? सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है, ऑक्सफोर्ड का है।
बाबू पेज नंबर दोनों का बता। ज्ञानेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि सर दोनों का पेज नंबर बता दीजिएगा। भाई कोई तीसरा किताब खरीद के ले जाएगा तो हम आपको पढ़ाई का चीज याद रखेंगे, पेज नंबर ही याद करते रहेंगे? हम किताब लेके यहाँ नहीं ना बैठते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मेरे पास स्टूडेंट एटलस है, जिसके पास है उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जब खरीदिएगा तो कोशिश कीजिएगा स्कूल एटलस खरीदने के लिए, ठीक है? एलटीटी वगैरह सब समझ में। पाकिस्तान का झंडा कौन ला रहा है इसमें? भेज देंगे पाकिस्तान, शांत हो जाओगे बाबू। पाकिस्तान का झंडा देख लेंगे, ब्लॉक कर देंगे तुमको इसमें। आगे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धीरे धीरे समझना आप लोग को ना, पहले एक बार में एक ही बार में 25 गो देश याद कराएंगे तो नहीं हो जाएगा, आपको पूरी दुनिया याद हो जाएगी। अब आपको काम क्या है कि अपने पड़ोस वड़ोस में जो भी मिले उसको क्या करना है, पढ़ा देना है। कहना है कि इधर इधर तो हम सार्क देश बताते हैं, आपके पास नक्शा रहना चाहिए, उससे आपको एटलस में उसको सार्क देश याद करा दीजिए। कितने देश है? 8। कौन कौन? कैसे बोलिए, कहे सुन सुन सार्क में जानते कितना देश? कहे कितना? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जो हो गया यहाँ पे इतना भयानक पढ़िए ना कि आपका पड़ोसी डर जाए, वो डर के मारे पढ़ाई छोड़ दे। उसको लगना चाहिए ना कि भाई छोड़ देगा पढ़ाई तो आपके लिए कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप कंपटीशन आराम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।